पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सरदार शमशेर सिंह दुल्लो ने मलेरकोटला च भोग समागम तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदे कहा कि पंजाब च लोकां नूं गुमराह करके बनी आम आदमी पार्टी की सरकार विच इस वेले भ्रष्टाचार सारे हद बन्ने टप चुकिया है, जिसकी ताजा उदाहरण नायब तहसीलदार भर्ती घोटाला है, जिस विच मेहनती लोकां दे हक्कां ते डाका मारिया गया अते भ्रष्ट व्यक्ति नौकरी प्राप्त करन च सफल हो चुके हैं। मलेरकोटला तो कुलवंत सिंह मोहाली दी रिपोर्ट। ये 7-8 महीने पहले लोगों ने फतवा दिया है और मैं लगता भी खड़गे साहब से बनना ना सिर्फ पंजाब च नहीं बल्कि मैं कह सकूँगा सारे हिंदुस्तान च कांग्रेस पार्टी दोबारा उसे दिशा पर आई। दरअसल एक जिहड़ा कि पिछले दिन नायब तहसीलदार के पेपर हुए और घपला सामने आया अखबारों विजिलेंस भी आ गया, इस कांग्रेस की कहना चाहती है। देखो जी आम आदमी की नाम तो आम आदमी है पर एक खास आदमी की वो सरकार है वो दिल्ली च बैठा है और ये सरकार मैं समझता रिमोट कंट्रोल न चलती है। जिन्होंने बड़े वादे किए ने अजे 7 महीने होए हो देखना कि देख वादे पूरे करे और जिते तक करप्शन की गल है हूँ आप देख लीए तो नायब तहसीलदार की गल है इतने तो लोग जोड़े राज्यसभा लगाए ने या जिन्होंने टिकटा दिखाई है वो बारे कई किस्म दर्चावान ने जी बैग तो की होया कि लोगों पूंजीपतियों सीटा दतिया गई इस करके लोगों के अखा च कट्टा पा के केजरीवाल ने या मान या ये सारे जिले थोड़े है ये लोगों के अखा च कट्टा पा के सरकार बनाती है पर मैं जिस तरह के हालात 7 महीने चले हूँ आम जनता महसूस कर लगती है भी असी बहुत बड़ी गलती की है जितों तक स्कैंडल का सवाल है ये तो एक स्कैंडल है पता नहीं किन्ने निकल गए पर जब दूसरे के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं भगवंत मान तो जिहड़े नायब तहसीलदार की सिलैक्शन के ब्यूरोक्रेसी है या पोलीटिकल ये पावर चा रहने वाले इंसान है पहली गल तो जरा ये जरा नायब तहसील इस एग्जाम का इंचार्ज है और मिनिस्टर है उसे की पुछ पड़ताल होनी चाहिए है उन्होंने एक्शन होना चाहिए आम ऑर्डिनरी बंदे नूं तां फड़ी जाणगे। ये पेपरां दे विच जिहड़े आलात जिहड़े इंसुलेंसर इस्तेमाल किए गए ने उन्हां नूं दित्ते गए ने कदे अगे कदे नहीं आए। देखोगे 2 सेंटरां दे कैंडीडेट जिहड़े ने सिलेक्ट होए सेंटर तां किन्ने सी और वायरलैस सेंटर राही कहिंदे लीकेज होया एग्जाम ये बहुत बड़ा स्कैंडल है उसके खिलाफ इन्हां नूं तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए भगवंत मान और जिहड़ा इंचार्ज मिनिस्टर उहदी जवाब तलबी होनी चाहिए उहदे खिलाफ भी अजे फरारी वाला तो कार्ड देखो एक मिनिस्टर की इलैक्शन तो पहला बली दे दवा दी वह बली दे के भी भगवंत मान जित नहीं सकया वो तो एक बली दवाई है वह कहता मैं बेगुनाह है जिहड़ा एक मिनिस्टर की इत्ते वाला जितों तक हुण सवाल है फरारी है उसकी ऑडियो लीक हुई है सारा कुछ लीक होया कोई एक्शन नहीं। श्री चलो सर मौजूदा हालात जोड़े हैं लाइन डाटे से पैदा होए हुए इस दे बारे की कहना चाहते हर पंजाब का हर इंसान हर आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता इस कोई शक नहीं गैंगस्टरिज्म या जड़े माफिया ये पॉलिटिशियन और पुलिस की देन है उन्होंने शह के बिना यह कुछ नहीं थी हो सकता और अजे भी मैं तुम अजे सिद्धू मूसेवाले की अजे तक क्लीयर नहीं हुई पिक्चर मेरा ख्याल रिमांड और जिन्हें गैंगस्टर है रिमांडा जो तुरे फिरते नहीं असलीयत तो सामने नहीं आई और असलीयत कौन लियाऊगा ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये पॉलिटिशियन है तो पुलिस के ज़्यादा अफसर भी उधर दुद्धधारी
ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਰਿਆ ਤੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਕਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ।